अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या गद्दे पर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने बयान करेंगे कि ऐसे गद्दों पर नमाज पढ़ना जिसमें पेशानी गद्दे के अंदर धंसती है, क्या इसमें नमाज हो जाएगी, दुरुस्त है या नहीं। आपके पेशे खिदमत है, बग़ौर समाअत फरमाएँ। अगर गद्दा इतना मोटा है कि हालत सजदा में उस पर पेशानी और नाक ठहर जाए और ज़मीन की सख्ती महसूस कर ले तो उस पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पेशानी और नाक ना ठहरे बल्कि गद्दा दबाती रहे और ज़मीन की सख्ती महसूस ना हो तो उस पर नमाज जायज़ नहीं है। इसी तरीके से जिस कमरे के अंदर जानदार की तस्वीर लगी हुई हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, सामने हो, दाएँ हो या बाएँ हो, तो उस कमरे के अंदर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। सबसे ज़्यादा कराहत उस तस्वीर में है जो नमाजी के सामने जानिबे क़िबला में हो, फिर वो जो नमाजी के सर पर मुअल्लक हो, फिर वो जो उसके दाहिने हो, फिर वो जो बाएं हो, और सबसे कम कराहत उसमें है कि नमाजी के पीछे किसी दीवार वगैरह पर कोई जानदार की तस्वीर लगी हो। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुशी और खुजू से नमाज़ पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए और इन सब चीज़ों का ख्याल रखने की सआदत बख्शे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।